ये अशोक सम्राट अपना शासन काल में बनाया है और जो पौलिस है ये सब अशोका समय का है सर। और पूरे पहाड़ आपको ग्रेनाइट है सर। अब बाहर से देखिए तो भेल मछली है सर। तो आज हम जा रहे हैं बराबर टिप्स देखने, जो कि जहानाबाद जिले में आता है। तो हमें वहीं पे जाना है, वही है सर। तो यही हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। चारों तरफ पहाड़ चट्टान यही सब है। इधर से ही आए हैं, अब चलते हैं आगे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे मंदिर है चारों तरफ, एक यहाँ पे मंदिर है। एक यहाँ पे है और ये है पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता। Thank you.
जूता पहन के जा सकते हैं। ये 245 ईसा पूर्व को बना हुआ है सर। ये अशोक सम्राट अपना शासन काल में बनाया है और जो पॉलिश है ये सब अशोक समय का है सर। और पूरे पहाड़ आपको ग्रेनाइट है सर। और बाहर से देखिए तो भेल मछली है सर। उधर दुनिया का पहली गुफा है सर, 252 गुफा है सर, जो आपको उसको नाम है निरोधा के जी। एगो लोमा शिशी है सर, ये कर्ण चौपाल है, 245 बीसी का बना हुआ है सर। वो सब आगे है। हाँ सब पहले देखिए सर, पॉलिश में किया हुआ जी, उसी समय का पॉलिश ये लिखा कर्म, यहाँ लिखा हुआ सर बुद्धि नहीं, ये लिखा हुआ सर मुक्ति रामचंद्र, ये तो खुला हुआ था सर रामचंद्र लिख देते थे। ये लिखा हुआ रामविलास, इसको वर्ल्ड में पढ़ाया गया सर संस्कृत पूरे आपको सर। ये कभी सर इतनी गर्मी करेगी अंदर में, बहुत ठंडक भी है ना। सुदामा गुफा, नाम निरोधा केव्स है सर, नाम में इसी पड़ा हुआ है। हाँ, इसको असली नाम है निरोधा केव्स, ये बुद्धिस्ट में सुशील के बेटा रहता है सर। टूट गया हुआ है सोच रहा था कि एक में कर देंगे, तो सर डेमेज हो गया, उसको डाला सच हो गया कि रॉक फट गया ना। हाँ, सोचा कि हो सकता है कि गिर जाए। Yang bolak-balik sebelum
आवाज गूंज रहा है ना, भी क्रैक आ गया है, जो फट गया है ना सर उसी कारण से छोड़ दिया गया है। इसमें भी दो पर पोस्ट है सर, अंदर जाते हैं। इसको कंप्लीट नहीं किया गया ना, ये डॉक्यूमेंट में नहीं गया था। एक गुफा कहाँ पे? नहीं सर, छोटा सा ये रास्ता से जाइए, खुला हुआ रहता है सर, खुला ही रहता है जी। उसका नाम है विश्व झोपड़ी, छोटा सा है सर। हाँ, कोई खास नहीं। मैंने आई तीनों है। अभी हम लोगों ने नीचे तीन गुफाएं देखी, वहाँ के जो केयर टेकर थे उन्होंने खोल के सारी गुफाएं दिखाई और उन्होंने बताया कि ऊपर एक मंदिर भी है, आप जरूर जाएं वहाँ पे भी। देखते हैं कितना ऊंचा है, अभी तो चढ़ाई स्टार्ट ही की है। तो कुल मिला के आज का दिन काफ़ी अच्छा था। हम लोग बराबर केव्स देखने गए थे, लेकिन वहाँ पर बराबर पहाड़ी पर भी चढ़े। एक से डेढ़ घंटा लगा था चढ़ने में और 10 से 15 मिनट लगा था उतरने में, तो अच्छी खासी ट्रैकिंग भी हो गई थी हम लोगों की वहाँ पे। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला पार्ट आज आप लोगों ने देख लिया है, सेकंड पार्ट जो होगा वो बराबर पहाड़ी की होगी, वो जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ पर तो एक बार आके अनुभव कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।